बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई मियाँ इब्रार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हाफिज़ाबाद की सबसे बड़ी और बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। हाफिज़ाबाद की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत तरीन हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पर हाफिज़ाबाद के लोग बड़े शौक से आते हैं और यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ट्यूलिप सिटी के बारे में। ट्यूलिप सिटी में हम आपको बताएंगे कि जो क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ पे। जदीद तरह की मस्जिद जो बनाई गई है उसका भी विज़िट करवाएंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे बच्चों की तालीम तरबियत के लिए, सेहत के लिए क्या क्या सहूलियात मुयसर हैं, रोड कितने कुशादा हैं, और उसके अलावा हम आपको बताएंगे जी यहाँ पे जो वो है उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं ट्यूलिप सिटी की तरफ। हम पहुँच चुके हैं जी ट्यूलिप सिटी के गेट नंबर 1 पे। हम आपको बताएंगे कि ट्यूलिप सिटी में क्या क्या जो है वो सहूलियात हैं। आप देख सकते हैं अब हम पहुँच चुके हैं जी गेट नंबर 1 पे। आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्यूलिप सिटी के रोड्स कितने कुशादा हैं और कितने अच्छे इनको डिज़ाइन किया गया है। इनके दरमियान में बड़ा ही खूबसूरत तरीन जो है वो एक फुटपाथ बनाया गया है, जहाँ पे बड़ी बेहतरीन सिटिंग बनाई गई है आने वाले कस्टमर के लिए, विजिटर के लिए। तो आज इंशाल्लाह हम आपको ट्यूलिप सिटी का सारा जो है वो इंशाल्लाह इंटरव्यू भी करवाएँगे और आपको दिखाएंगे कि ट्यूलिप सिटी में जो है वो बहुत सारी सहूलियात से जो यहाँ पे के रहने वाले लोग हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं। तो जी हम आ चुके हैं जी ट्यूलिप सिटी के अंदर। आप देख रहे हैं बहुत सी कुशादा रोड, बहुत ही प्यारे डिज़ाइन किए गए रोड, और आप देख सकते हैं कि फुटपाथ कितना प्यारा है और उसको कितने ही प्यारे अंदाज में जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे सिटिंग जो है वो कितनी प्यारी है और जो आने वाले विजिटर्स हैं उनके लिए कितना अच्छी सिटिंग का अरेंजमेंट किया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको जो सहूलियात, उनको जो यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से सहूलियात हैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब हम पहुँच चुके हैं जी ट्यूलिप सिटी के 1 नंबर चौक में। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी जो लेफ़्ट साइड पे सारा कमर्शियल एरिया है। आने वाले वक्तों में जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कारोबारी लोग हैं इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ अब हम आपको लिए चलते हैं जी ट्यूलिप सिटी के मेन हेड ऑफिस की तरफ। जी तो नाज़रीन इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ट्यूलिप सिटी के मेन हेड ऑफिस में। तो आइए चलते हैं, आपको हेड ऑफिस का विज़िट करवाते हैं।
जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टॉप सिटी रियल एस्टेट के ऑफिस में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद एहसान शाह, जो कि टॉप सिटी रियल एस्टेट के मैनेजर हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे उनके ख्यालात भी जानेंगे और उनसे जानेंगे कि ट्यूलिप सिटी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, वो क्या इसके बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत? अच्छा शाह जी, ट्यूलिप सिटी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं और क्या क्या सहूलियात ट्यूलिप सिटी में जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको आप क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं, जिधर आप मेहरबानी करके ट्यूलिप सिटी हैदराबाद की बाहर सोसाइटी है जो कि मुकम्मल अप्रूव है और तमाम सहूलियात मुयसर है। हम बेफर से इस सिटी के इस टाउन के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद है, लॉक फ्री सिस्टम है, सिक्योरिटी है मुकम्मल। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर का बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पे, पौधे, ग्रीनरी, बिजली 24 घंटे बिजली दस्तियाब है। तो यहाँ हाफिजाबाद में इस तरह की कोई भी सोसाइटी नहीं है जो सारी सहूलियात से इस तरह हो। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं जी ट्यूलिप सिटी के ज़ू में। हम आपको लेके चलते हैं ज़ू में और आपको विजिट करवाते हैं जी ज़ू का। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम मौजूद हैं ट्यूलिप सिटी की मस्जिद के बाहर। तो आइए चलते हैं जी, आपको मस्जिद का विज़िट भी करवाते हैं और आपको बताते हैं जी मस्जिद को किस जदीद तर्ज़ अमल पे बनाया गया है और ये मस्जिद कितनी हसीन है। आइए जी मस्जिद में चलते हैं। तो नाज़रीन देखें, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है और इसको कितने प्यार से बनाया गया है। अभी भी ये ज़ेरे तामीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वुज़ू खाना है और यहाँ पे अभी भी पेंट शुरू है और इसकी तामीर का जो काम है वो स्टार्ट है। तो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आइए अब चलते हैं हम पार्क्स में और आपको दिखाते हैं कि ट्यूलिप सिटी की जो पार्क्स हैं वो कितनी खूबसूरत है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं ट्यूलिप सिटी की पार्क्स में। आप देख रहे हैं ट्यूलिप सिटी की पार्क कितनी कुशादा और कितनी ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाफिज़ाबाद के शहरी और बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं।
यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है जी हाफिज़ाबाद के लोगों की, हाफिज़ाबाद के शहरियों की, जो यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को इंजॉय करवाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने कितना प्यारा व्यू है और बहुत बड़ी पार्क है जी। मैं तमाम अपने देखने वालों से कहूँगा आप एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें ट्यूलिप सिटी का और यहाँ की खूबसूरती देखें कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से इसको तामीर किया गया है जी। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ जी ट्यूलिप सिटी के लास्ट और आखिरी चौक की तरफ। अब आप देखिएगा कि कितने ही खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया है जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्यूलिप सिटी के लास्ट और आखिरी चौक में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मुनफरद तरीके से डिज़ाइन किया गया ये चौक है। इसमें आप देख सकते हैं जी बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे बहुत कुशादा और बेहतरीन रोड जो है वो बनाए गए हैं। दरमियान में बहुत ही अच्छा एक फुटपाथ है जो कि रोड की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। जैसा कि आपको मैं दिखाता चलूँ कि मेरी लेफ्ट साइड पे बहुत ही अच्छा जो है एक व्यू इन्होंने बनाया हुआ है जो आने वाले विजिटर को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश भी विजिटर होते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज भी होते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ट्यूलिप सिटी के गेट नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का कितना अच्छा इंतज़ाम है और बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है आने जाने वाले लोगों के लिए, जो है हिफाजत के लिए सिक्योरिटी तैनात है। इसी बात के साथ अब मैं आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उन तक मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहें और उनको इंफॉर्मेशन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में है वो मिलती रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपका भाई मियां इब्रार, अस्सलाम वालेकुम।